मनी प्लांट जो है गर्मियों का प्लांट है, ये प्लांट हमारा अभी सर्दी की मार को झेल के आया है, तो हमारा प्लांट की स्थिति इस तरह से हो गई है। अभी हमें क्या करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। मनी प्लांट, मनी प्लांट एक समर का प्लांट है और ये प्लांट हमारा जो है अभी डोरमेंट्स को झेल कर आया है, पूरी सर्दी इसने अपने ऊपर झेली है, तो ये प्लांट हमारा इस तरह से हो गया है। देखिए इसकी जो है डंडी इस तरह से होगी है, कहीं से लीव झड़ गई है, कहीं पर है ये देखिए, पूरी शुरू से तो लीव इसकी झड़ गई है और लास्ट में जाके कहीं कहीं पर है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा प्लांट अभी जो है, इसको हमें क्या करना है कि ये हमारा पूरा सर्दी जो है अच्छे से खिलता रहे और इसकी पत्तियां है बड़ी बड़ी हो और काफी अच्छी जो है हमारा प्लांट ग्रोथ करे। मेरे पास ये तीन चार जगह मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है, एक तो बिल्कुल इस तरह से नीचे लटकता है देखिए इस तरह से, और एक यहाँ पर है, इसको मैं कट करती रहती हूँ क्योंकि जगह इतनी नहीं है कि मैं इसको भी लटका के नीचे रखूं। और एक मैंने बोतल में लगाया है, उसको मैंने कट कर दिया, बोतल में तो लगता रहता है ये देखिए इस तरह से। और एक मैंने मोस्टिक के ऊपर चढ़ाया हुआ है, तो मोस्टिक पे जो चढ़ा है इसकी काफी अच्छी जो है ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ये जो हमारा प्लांट था अभी थोड़ा सा छज्जे के नीचे रखा हुआ था और इसको सर्दी कम लगी है, मतलब कोहरा इसके ऊपर कम पड़ा है, तो ये इस तरह से है हमारा प्लांट। तो इस तरह से हमारा जो है मनी प्लांट है देखिए। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो मनी प्लांट है अभी अच्छी स्थिति में हो जाए और जो इसकी लीव्स है बड़ी बड़ी आ जाए, तो हमें अपने मनी प्लांट पे बहुत जल्दी ये काम करना होगा, क्योंकि अब हो चुका है समर का टाइम है, प्लांट है सारी अपनी ग्रोथ पकड़ चुके हैं इस टाइम पे, और इनकी अब तक हम कटिंग वटिंग नहीं करेंगे तो ये हमारे प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे, तो फटाफट इन प्लांट की हमें अभी कटाई शटाई करनी है। तो देखिए मनी प्लांट मेरा यह इतना बड़ा है और अभी मुझे इसको कटिंग करना है, तो चलिए इसके फटाफट से इसकी ग्रोथ के लिए हम कुछ कार्य करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा मनी प्लांट है इस तरह से है, इसकी जो है लंबी लंबी डंडी है। कभी आप ये सोचे कि हमारा प्लांट इतना बड़ा है हम नहीं काटेंगे और फिर बढ़ेगा नहीं, मेरा हर साल इससे भी ज्यादा हो जाता है और मैं कट कट करके अपने जो है कटिंग से लगाती रहती हूँ, तो इससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, इसको बिल्कुल गंजा करने वाली हूँ, जो इतनी लटे इसकी जो लटक रही है इनको सबको मैं प्रून करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से फटाफट से कर दीजिए प्रून, ये देखिए जहां से मैं कर दूंगी इतनी मैंने कट कर दी है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, इनको फटाफट से देरी ना करते हुए। तो चलिए मैं कर लेती हूँ इनकी कटिंग्स, और ये करना बहुत जरूरी है, अगर हम ये काम अभी नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट गर्मियों में ग्रोथ अच्छे से नहीं करेगा और जो ये है ये भी लैगी हो जाएगी। तो हमें इसको अच्छे से ग्रोथ के लिए क्या करना है कि इसकी जो लंबी लंबी टहनी हो गई है इनको सबको कट कर देना है, अगर लंबी नहीं हुई है छोटी हुई है तो आप उनको भी कट कर दीजिए ये देखिए, क्योंकि इसके जो है डंडी डंडी पे पत्तियां नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डंडी खाली पड़ी है, पत्ती बिल्कुल नहीं है और नीचे जाके एक दो पत्ती है देखिए, तो हमें ये अच्छी नहीं लगेगी, इससे अच्छा है कि हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए सारी टहनी इस तरह से है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये प्लांट। इसको अच्छा करने के लिए कि हमारा जो प्लांट है अच्छे से ग्रोथ करे, पूरी जो डंडी है इसके ऊपर लीव्स इस तरह से भर भर के आए, जैसे ये भरी हुई है इस तरह से भर भर के आए, तो इस तरह से हमें इनको कट करना है। और अभी इसका मैं क्या करूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो चलिए पहले इसको मैं कर लेती हूँ अच्छे से कट। और मैं आंख मीच के इसको कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं है, कई जो मेरे भाई बहन है वो डर रहे होंगे कि हम अपना प्लांट कट कर देंगे, मेरा प्लांट बढ़ेगा नहीं और ये खराब हो जाएगा, इतना बड़ा हो गया है तो मैं इसको कट कैसे करूं। तो देखिए बिल्कुल डरने की घबराने की कोई चिंता नहीं है, ये हमारा प्लांट जितना हम कटिंग करेंगे, ये प्लांट नहीं कोई भी प्लांट आप ले लीजिए, जितना आप कट करेंगे उतना ही ये प्लांट जो है ग्रोथ करेगा। ये नहीं है कि मनी प्लांट ही है, कोई भी आप प्लांट ले लीजिए उसको आप कटिंग कर दीजिए और उसके बाद आप उसकी ग्रोथ देखिए, फिर आप एक बार ही ये कहेंगे कि हाँ मैंने सही किया है काट के और अब इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से देखिए, और इसकी अपडेट में आप भी आपको दूंगी कि मैंने जो काटा था मनी प्लांट उसकी आप ग्रोथ देखिए। और इसको अब इसके बाद हमें क्या करना है ये देखिए, क्योंकि अब मैं यही करती हूँ, पहले शुरू शुरू में जब मैंने गार्डनिंग शुरू करी थी
तब मैं भी यही सोचती थी कि मेरा प्लांट इतना बड़ा हो गया है, अब मैं नहीं काटूंगी इसको, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके बाद तो फिर मैंने इसको इतना कट कर देती थी, बिल्कुल उजाड़ देती थी मैं इसको। मतलब इतना हमने रखना है कि जो हमारा जो प्लांट है ग्रोथ करने के लिए हमें इनकी जो है पत्तियां जरूर रखनी है। ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही इसको खत्म कर देना है, ऐसा नहीं है कि इसकी ऊपर जो है हम पत्तियां वगैरह कुछ नहीं रखे। तो जहां से बिल्कुल पत्ती नहीं है जिस ब्रांच पे, उसको तो मैं जड़ से ही काट रही हूँ। जड़ से नहीं मतलब उसको बिल्कुल नजदीक के हिसाब से काट रही हूँ, क्योंकि पत्तियां इसकी जो है खत्म हो चुकी है, सिर्फ डंडी डंडी है। तो डंडी हमें तभी अच्छी लगेगी जब हमारे प्लांट के ऊपर पत्ती होगी, तभी तो अच्छी लगेगी ना। नहीं तो फिर कहाँ से अच्छी लगेगी, जब हमारे प्लांट पर पत्तियां ही नहीं होगी तो कहाँ से अच्छी लगेगी। ये देखिए देखिए इस तरह से, ये देखिए प्लांट मेरा बिल्कुल, मैंने यहां से इसको काट, इस यहां से कट कर दिया है और इसकी जो है कुछ लीव्स रह रही है। ये हमारे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी है, तो हमें सारी कट कर देनी है। जितनी भी बेकार बेकार सी डंडी हो गई थी, उन पे लीव्स नहीं थी, डंडी डंडी पड़ी थी खाली, तो सारी मैंने कट कर दी है। ये आपकी आंखों के सामने है और अब आती है इसकी बारी, ये वाला मुझे कट करना है, तो इसको भी मैं फटाफट कट कर लेती हूँ। और ये देखिए सारी मैंने, कितनी सारी मैंने जो है इसकी जो है ब्रांच कट कर दी है, ये देखिए। तो चलिए इसको भी मैं खत्म कर लेती हूँ, मतलब इसको भी मैं कट कर देती हूँ। और अब इसको कट करने के बाद हमें रखना क्या है, कहाँ पर है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हमें कहाँ पर रखना है। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी जो है इसकी लीव्स होगी, ये देखिए इसको इतना उठा रही हूं मैं, तब भी नहीं गिर रहा है, क्योंकि इसकी जो रूट है इतनी इसके अंदर जकड़ गई है कि ये टहनी को उठाने से भी प्लांट जो है नहीं गिर रहा है। इसकी पीली पत्तियां हो गई है वो बिल्कुल हटा दीजिए, जो सूख गई है वो हटा दीजिए आप, ये देखिए। इसका हाल है, ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर दिया है। और अब मैं क्या करूंगी, इसको जो मेरी ये ब्रांच बच गई है, जो ये मेरी ब्रांच बच गई है, इसको मैं अब क्या करूंगी, इसको फेंकूंगी नहीं। अगर आप मनी प्लांट को फिर से और बनाना चाहते हैं, एक से कई प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप फटाफट से ऐसी डंडी उठा लीजिए जिसपे इस तरह से पत्तियां है, इसमें बहुत सारी कटिंग है, बहुत सारे आप प्लांट बना सकते हैं इससे। किसी को देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। तो देखिए मेरे पास जगह नहीं है इतनी कि मैं बहुत ज्यादा प्लांट लगा लूं, तो इसलिए मैं कम ही इसको लगाऊंगी। इसकी ले ली है, ये देखिए तीन चार ही कटिंग्स ली है मैंने, ज्यादा नहीं ली है। इसमें बहुत सारी है, आप लगाना चाहे तो इतनी भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप मिट्टी में इसको इतना दबा दीजिए। एक मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए इतना भी आप दबा देंगे, ये देखिए इतना हमने ले लेना है। और इसके नीचे की पत्ती आप हटा दीजिए इतनी, और छोटी सी भी ये कटिंग लगा दीजिए आप मिट्टी के अंदर, तब भी हमारा प्लांट जो है ग्रो हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है एरियल रूट होती है, इसी से हमारा प्लांट ग्रो हो जाता है। आप इसको मिट्टी में इस तरह से लगा दीजिए ऐसे, क्योंकि ये एरियल रूट जो है मिट्टी में टच होगी ऐसे, तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाएगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने तो इसकी इतनी बड़ी बड़ी रूट भी काट दी है, देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी रूट है। और अब हमें क्या करना है, देखिए दूसरा काम मेरा ये है, मैं इसको कांच की बोतल में पानी डाल के उसमें लगा दूंगी, और फ्रिज के ऊपर,
डाइनिंग टेबल पे कहीं भी आप इस प्लांट को रख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें रखना है शेमी शेड में, इस प्लांट को रखना है, ये देखिए शेमी शेड में रखना है। आप चाहे तो इसको छज्जे के नीचे रखें या फिर कहीं पर जो है कि हमारे प्लांट पर ज्यादा धूप ना पड़े, ऐसी जगह पे आपको रखना है। और इसकी मैंने मनी प्लांट इस तरह से लगाया हुआ है और ये भी मैं डंडी इसके अंदर इस तरह से डाल रही हूँ। ये देखिए इसमें आ भी नहीं रही, फिर भी मैं इसके अंदर ठूस रही हूँ। ये देखिए दो तो मैंने इसमें लगा दी है और ये देखिए इसमें लगा देती हूँ। सिंगोनियम का प्लांट इसमें लगा है और इसके अंदर मैं लगा दूंगी। और पानी भी डालना है मुझे, पानी भी इसका जो है खत्म हो गया है, देखिए पानी भी खत्म हो गया है, इसका आधा पानी है। पानी में इस तरह से आप लगा दीजिए कटिंग को और अपने गार्डन में इस तरह से सजा दीजिए। ये देखिए गार्डन में इस तरह से आप पानी में डाल के और इस तरह से सजा सकते हैं, काफी अच्छा लुक लगता है, कितना भरा भरा लग रहा है। देखिए मनी प्लांट है, मनी प्लांट आपके गार्डन में नजर आएंगे। इतनी सारी मैंने कटिंग्स करी है, आप इनको लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको गोबर की खाद दे देनी है, ये देखिए इसमें भी आप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी लगाई हुई है देखिए। और ये तो ये जा रही है, कितनी बड़ी जो है इसकी पत्तियां होने लग गई है, देख सकते हैं। ये मैंने मोस्टिक पे लगाई है और अभी मैं इसको ऊपर की साइड चढ़ाऊंगी इस तरह से। तो ये थी मनी प्लांट के ऊपर मेरी जानकारी, आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।